आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और मैनपुरी से आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर आज अखिलेश यादव करहल पहुंचने वाले। आपको बता दें कि करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले हैं और इसी कड़ी में थोड़ी देर में मैनपुरी में अपना नामांकन भरने के लिए अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं। पहली बार अखिलेश लड़ेंगे विधानसभा चुनाव और इसी कड़ी में करहल से नामांकन भरने के लिए अखिलेश यादव अब से कुछ ही देर में मैनपुरी पहुंचने वाले हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर वो अपना नामांकन भरेंगे। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव के नामांकन भरने को लेकर तमाम सुरक्षा इंतजाम जो है वो कलेक्ट्रेट में पुख्ता किए जा चुके हैं और इसी को लेकर हमारे मैनपुरी संवाददाता ने कलेक्ट्रेट का जायजा लिया है। टीम मैनपुरी कलेक्ट्रेट पहुंची हुई है, जहां आप बता दें आज राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी नामांकन करने के लिए आ रहे हैं। करहल विधानसभा सीट से वो नामांकन करेंगे, वो अपना नामांकन दो सीटों में करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी चाक चौबंद सुरक्षा है, व्यवस्था है टाइम करने के लिए। उन्नीस मिश्रा से चुनाव लड़ने वाले हैं अखिलेश यादव। थोड़ी देर में अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचकर अपना नामांकन भी भरने वाले हैं। पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि करहल से वो नामांकन भरेंगे। करहल सीट का जातीय समीकरण आपको समझाते हैं, जहां पर 1,44,000 यादव वोटर मौजूद है। 55% ओबीसी वोटर करहल में मौजूद है, वही 20% सवर्ण वोटर वहां पर है। और सीधी तस्वीर इस वक्त आपको करहल से दिखा रहे हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट में इस वक्त अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, विजय रथ इस वक्त कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कलेक्ट्रेट पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको मैनपुरी से दिखा रहे हैं, जहां पर आप अखिलेश यादव का विजय यात्रा रथ जो है इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। भारी सुरक्षा बल के बीच में ये विजय रथ इस वक्त कलेक्ट्रेट की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां पर अब अखिलेश यादव अब से कुछ ही देर में विजय रथ से बाहर निकलकर नामांकन भरने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको मैनपुरी से दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्राइम टीवी पर आप देख सकते हैं, जहां पर अखिलेश यादव इस वक्त कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच चुके हैं। विजय रथ यात्रा जो आपको देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहां पर अखिलेश यादव अब बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन भरने वाले हैं। आपको बता दें कि पहली बार करहल से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं अखिलेश यादव। अब से थोड़ी ही देर बाद कलेक्ट्रेट में नामांकन भरने के लिए अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं। ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको कलेक्ट्रेट के गेट की दिखा रहे हैं, जहां पर भारी सुरक्षा बल मौजूद है, तमाम सपा समर्थक वहां पर मौजूद है, अपने नेता को देखने के लिए समर्थक वहां पहुंचे हुए हैं। एक भारी भीड़ देख सकते हैं और सीधे आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको कलेक्ट्रेट से दिखा रहे हैं, मैनपुरी कलेक्ट्रेट में इस वक्त अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। भारी सुरक्षा बल के बीच में इस वक्त अखिलेश यादव नामांकन भरने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्राइम टीवी पर इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर आप अखिलेश यादव को तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि विजय रथ यात्रा के जरिए वो कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं, जहां पर अब वो अब से कुछ ही देर में नामांकन भरने वाले हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक भारी भीड़ अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए पहुंची हुई है, तमाम सपा कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है, भारी सुरक्षा बल भी वहां पर मौजूद किया गया है, जिससे कि कोई भी अराजकता ना वहां पर ना फैल सके। अब से थोड़ी ही देर बाद अखिलेश यादव अपना नामांकन भरने वाले हैं। पहली बार अखिलेश यादव इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। करहल सीट से अखिलेश यादव अपनी दावेदारी पेश करने के लिए मैनपुरी के कलेक्ट्रेट इस वक्त पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको प्राइम टीवी पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से विजय रथ यात्रा के जरिए अखिलेश यादव इस वक्त कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच चुके हैं, सुरक्षा बलों के साथ और तमाम सपा समर्थकों के साथ इस वक्त वो कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद है और कुछ ही देर बाद अब वो नामांकन भरने वाले हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव नामांकन दाखिल करने के लिए इस वक्त पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको वहां से दिखा रहे हैं।
आपको बता दें कि पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में ये चुनाव बेहद ही अहम माना जा रहा है खुद अखिलेश यादव के लिए। करहल सीट की अगर हम बात करें तो वहां पर यादव वोटर्स बहुत ज्यादा है और अखिलेश यादव के लिए एक सुरक्षित सीट जो है वो मानी जा रही है। और इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव करहल सीट पर नामांकन भरने के लिए पहुंच चुके हैं। वही आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर भी है कि अखिलेश यादव के विपक्ष में जो बीजेपी है एक बड़ा दांव खेलते हुए अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतार सकती है। अभी तक इसको लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, पर ऐसा कहा जा रहा है कि करहल सीट पर जिस प्रकार से यादव वोटर्स ज्यादा है और यादव परिवार का एक अच्छी पैठ वहां पर देखने को मिलती है, ऐसे में यादव वोटर्स को भुनाने के लिए बीजेपी एक बड़ा दांव खेल सकती है, जहां पर वो अपर्णा यादव पर विश्वास जताते हुए अखिलेश यादव के विपक्ष में अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतार सकती है। पर इस वक्त आपको सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अखिलेश यादव इस वक्त नामांकन करने पहुंच चुके हैं। अगर करहल सीट की हम बात करें तो 55% जो वोटर्स हैं वो यादव वोटर्स वहां पर है, ऐसे में ये जो सीट है ये अखिलेश यादव के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, 1,44,000 से ज्यादा वहां पर वोटर्स है, जिसमें से जो 55% है वो अकेले यादव वोटर्स है। 1,44,000 का एक बहुत बड़ा आंकड़ा वहां पर यादव वोटर्स का है। वही कुल मतदाताओं की बात करें तो 3,73,000 वहां पर कुल मतदाता है, जिसमें से 1,00,000 से ज्यादा जो वोटर्स है वो यादव वोटर्स है। वहीं आपको बता दें कि इसी आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है और ऐसे में अखिलेश यादव का यहां से चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं सपा के लिए एक फायदेमंद चीज साबित हो सकती है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने करहल सीट को चुनाव के लिए चुना है। आपको बता दें कि एक बेहद ही सुरक्षित सीट करहल जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए मानी जा रही है और इसी कड़ी में जो सपा सुप्रीमो है उन्होंने करहल सीट को अपने लिए चुना है। वहीं आपको बता दें कि अगर हम बीते समय की बात करें तो लगातार समाजवादी पार्टी जो परिवार है वो मैनपुरी में एक अच्छी पैठ बनाता आया है। अगर बात करें मुलायम सिंह यादव की तो सपा संरक्षक जो रहे हैं मुलायम सिंह यादव, उन वो भी एक अच्छी भूमिका में नजर आए हैं और मैनपुरी में जिस प्रकार से उनका एक जनाधार है उससे ये जो सीट है इस पर तेज दावेदारी समाजवादी पार्टी की ही पेश की जा रही है। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव भी आज मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन भरने के लिए पहुंच चुके हैं। आप समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा को देख सकते हैं इस वक्त, जिससे अखिलेश यादव इस वक्त नामांकन भरने के लिए मैनपुरी कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। नामांकन दाखिल करने के लिए अखिलेश यादव इस वक्त पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको हम सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्राइम टीवी पर आप देख सकते हैं, मैनपुरी से ये सीधी तस्वीरें आपको करहल से दिखा रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा के जरिए इस वक्त मैनपुरी कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। नामांकन दाखिल करने के लिए अखिलेश यादव इस वक्त पहुंचे हुए हैं कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर। अखिलेश यादव अब पहुंच चुके हैं, अब से कुछ ही देर में वो नामांकन की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। बड़ी बात यह है कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं, ऐसे में एक बेहद ही महत्वपूर्ण चुनाव अखिलेश यादव के लिए माना जा रहा है। और अगर हम बात करें करहल सीट की तो करहल सीट लगातार समाजवादी पार्टी के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जाती है और इसी कड़ी में अखिलेश यादव भी इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। यादव बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है करहल, ऐसे में करहल की जनता जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ एक अच्छा नाता उनका देखने को मिला है। अगर हम कुल मतदाताओं की बात करें तो 55% जो वोटर्स हैं वो अकेले यादव वोटर्स हैं, 1,00,000 से ज्यादा वोटर्स जो है वो यादव वोटर्स है और इसीलिए समाजवादी पार्टी इसे एक सुरक्षित सीट मानती हुई आई है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हम मैनपुरी संवाददाता मुनीश मिश्रा की तरफ रुख करते हैं। तो मुनीश, इस वक्त अखिलेश यादव कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच चुके हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में वो नामांकन करने वाले, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें अभी पहुंचे हैं, अंदर जाने वाले हैं और उनके दो विधायक थे जो के आलोक साहब, वो साइकिल द्वारा अंदर पहुंचे
और ये अपने से अपनी दो सेटों में अपना नाम करेंगे और इनके साथ में कई गणमान्य व्यक्ति भी हैं, कई विधायक विधायक भी हैं इनके साथ में। मुनीश, जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं अखिलेश यादव भारी भीड़ के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, विजय रथ यात्रा के जरिए वो कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच चुके हैं, ऐसे में नामांकन भरने के लिए उनके साथ कौन कौन जो नेता है वो जाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने तस्वीरों में देखा उनके साथ तमाम जो नेता थे वो मौजूद थे, ऐसे में नामांकन के लिए उनके साथ कौन कौन जाने वाला है? जी आपको बता दें, ग्रह सीट के जो अभी तक विधायक थे जो शोभवर्धन सिंह यादव, वो उनके साथ में है और सपा के कई एक गणमान्य नेता भी उनके साथ में है और वर्तमान में ये जो आलोक शास्त्र और विजय सिंधिया भी हैं और आसपास के कई जनपदों के भी नेता लोग उनके साथ में हैं। मुनीश, जिस तरह से अगर हम करहल की बात करें तो यादवों का एक गढ़ है जहां पर समाजवादी पार्टी की एक अच्छी पैठ है, ऐसे में अपने नेता का एक बार उनको देखने के लिए और उनको समर्थन देने के लिए एक भारी भीड़ भी वहां पर पहुंची होगी, ऐसे में प्रशासन किस प्रकार से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर रहा है? जी आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था काफी चाकचौंध है, अंदर लोगों को तो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, मीडिया और जो भी उसके साथ में है वो अंदर पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी काफी भीड़ है, थोड़ा धक्का मुक्की हो रहा है और सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाकचौंध है, बहुत सारी भीड़ है। जी मुनीश, अगर हम बात करें, अभी कुछ ही देर पहले हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि जो करहल सीट है उसपे जो यादव वोटर्स है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए एक बेहद ही अहम सीट मानी जा रही है, किस प्रकार से देखते हैं आप करहल सीट को? जी आपको बता दें, करहल सीट बहुत ही हॉट सीट है क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक करीब 1.5 लाख के समथिंग यादव मतदाता है, उसके बाद में ये साक्षी मुस्लिम भी आते हैं, तो ये बड़ी हॉट सीट है और यहाँ पर उनकी सुरक्षित सीट मानी जा रही है, काफी जो जाति समीकरण है उसके हिसाब से ये उनके लिए बड़ी सुरक्षित सीट है। मुनीश, जिस प्रकार से इस वक्त अखिलेश यादव वहां पर नामांकन भरने पहुंचे हुए हैं, अगर हम बात करें करहल की, तो एक सुरक्षित सीट मानी जाती है, मुलायम सिंह यादव के समय से ही वहां पर जो यादव वोटर्स हैं वो समाजवादी पार्टी के समर्थन में दिखाई देते हैं, और अगर दूसरी तरफ देखें तो भारतीय जनता पार्टी का भी इस बार अच्छा समर्थन देखने को मिल रहा है, ऐसे में अखिलेश यादव क्या इस बार भी अपनी पैठ को वहां पर बरकरार रख पाए हैं? करहल की जनता का क्या कुछ मानना है इसमें? ये बड़ी चुनौती है और मैं आपको बता दूं, मैनपुरी जिले में तो 4 सीटें आती है, लेकिन इसमें जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इसमें फिर भी कम से कम जो अभी चल रहा है संख्या, 2 सीटों का तो पक्का है समाजवादी पार्टी का और ये अखिलेश यादव की जीत तो पक्की है। मुनीश, अगर हम नामांकन की बात करें तो अखिलेश यादव हमसे थोड़ी देर पहले कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर गए हैं, ऐसे में उनकी नामांकन की प्रक्रिया को पूरा होने में कितना वक्त लग सकता है? जी दो आपको बता दूं, 2 सेटों में नामांकन करेंगे और 8 घंटे के करीब लग सकता है, अंदर पहुंच चुके हैं। जी जी वही मुनीश, अगर हम बात करें तो आज मैनपुरी में 2 वीवीआईपी मोमेंट आज देखने को मिल रहे हैं, जहां एक तरफ अखिलेश यादव अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज मैनपुरी पहुंच रहे हैं और वो डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं, ऐसे में किस प्रकार से वहां पर राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है, पुलिस प्रशासन के लिए ये कितना चैलेंजिंग होने वाला है? जी आपको बता दें, आज के दिन जो बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य जी हैं वो पहुंचेंगे पहले 1 बजे, उसके बाद में मैनपुरी आएंगे, मैनपुरी सदर पे आने के बाद में बीजेपी कार्यालय में अपने कुछ नेताओं को संबोधित करेंगे, उसके बाद में राजमहल होम में पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उसके बाद में वो जो है डोर टू डोर कैंपेन के लिए निकलेंगे। जी मुनीश, जिस तरह से अगर आप वहां पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पे आप मौजूद है, कलेक्ट्रेट के आप बाहर खड़े हुए हैं, पीछे हम विजय रथ यात्रा को देख सकते हैं, ऐसे में वहां पर जो समर्थक इस वक्त गेट पर अपने नेता का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए थे, उनको किस प्रकार से देख पा रहे हैं, किस प्रकार का जोश उनमें इस वक्त देखने को मिल रहा है? जी आपको बता दें, जो भी समर्थक थे उनको सभी को बाहर ही रोक लिया गया है, केवल 2 लोगों को अंदर जाने दिया है, 2-3 लोग उनके साथ में अंदर गए हैं, मैं अंदर ही हूँ, कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर हूँ, तो बाहर का सभी को बाहर रोका गया है, केवल 2 लोग अंदर आए हुए हैं। जी वही मुनीश, किस प्रकार से ये पूरा नामांकन प्रक्रिया है वो पूरी की जानी है, क्या कुछ तैयारियां अंदर है वो पुख्ता की गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा? जी तैयारियां पूरी हैं, जो भी होने चाहिए शासन द्वारा समुचित तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि वीआईपी नेता हैं तो ये नामांकन करने के लिए आज पहुंचे हैं, पूरी तैयारियां हैं, अंदर सभी व्यवस्था चाकचौंध है, अंदर भी बाहर भी सुरक्षा कर्मी भी बाहर लगे हुए हैं।
जी मुनीश, किस प्रकार से पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, कितने पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं, किस प्रकार से सुरक्षा इंतजाम, क्या आपने किसी से बातचीत की है, किसी पुलिस अधिकारी से, क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी है? तो मैनपुरी से आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अखिलेश यादव इस वक्त विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने के लिए करहल सीट से नामांकन भरने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच चुके हैं। आपसे थोड़ी देर पहले ही हमने आपको दिखाया कि वो अपने लाभ लश्कर के साथ और समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच चुके थे। वही इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे मैनपुरी संवाददाता मुनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मुनीश, जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त पुख्ता की जा चुकी है, ऐसे में वहां मौजूद किसी पुलिस अधिकारी से क्या आपने बातचीत की है, किस प्रकार से उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं जो थी वो पुख्ता की थी, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? जी, आपको बता दूं, आज इतना भीड़ वगैरह है, बात तो नहीं हो पाई, लेकिन सारी व्यवस्था सारी चाक चौबंद है। जहाँ तक व्यवस्था की बात की जाए तो सारी व्यवस्था चाक चौबंद है। जो भी समर्थक वगैरह थे उनको बाहर रोक लिया गया है और अखिलेश यादव भी जो है अंदर पहुंच चुके हैं, अपना नामांकन कर रहे हैं, दो सीटों में नामांकन कर रहे हैं। जी मुनीश, जिस तरह से देखें, अगर तो सपा सुप्रीमो जो है वो उनका एक बड़ा जनाधार है, करहल सीट पे भी उनका एक अच्छी पैंट देखने को मिलती है, ऐसे में समर्थक जो थे वो अपने कह सकते हैं कि अपने नेता का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए थे, ऐसे में किस प्रकार से कोविड को नियंत्रित करने के लिए और कोविड नियमों के जरिए किस प्रकार से उन्हें नियंत्रित करने के लिए कोशिश की गई? जी आपको बता दूं, वैसे तो गेट पर बिना मास्क की एंट्री नहीं दी जा रही है और ये बहुत सारे लोग जो है वो बिना मास्क से उनको बाहर रोक दिया गया है, केवल अंदर वो ही जा रहे हैं जो मास्क लगा हुआ है, केवल दो लोग अंदर जाने को अलाउ है, दो लोगों के लिए परमिशन है। जो आप भी देख सकते हैं वो भीड़ केवल मीडिया और कर्मचारियों की भीड़ है, इसके अलावा जो है सब इसी लोग बाहर रुके हुए हैं। जी मुनीश, जिस तरह से वहां पर अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं और नामांकन अपना भरने वाले हैं, करहल की जनता के बीच आप पहुंचे होंगे, किस प्रकार से वो देखते हैं इस बार का चुनाव, अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव किस प्रकार से देखा जा रहा है, क्योंकि वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसे में करहल की जनता का क्या कुछ मानना है? जी आपको बता दूं, करहल की जनता उत्साहित है वोटिंग करने के लिए, क्योंकि वो पहली बार ये करहल विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि वहाँ के मतदाता हैं वो जाति समीकरण जो है वो अखिलेश यादव जी के पक्ष में है और तो मतदान करने के लिए उत्साहित हैं। जी तो मुनीश, अगर दूसरी तरफ हम देखें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी आपको बता रहा हूँ, उनका 11:30 बजे का टाइम था भोगांव, जो कि मैनपुरी से करीब समथिंग 15 किलोमीटर दूर है, पहले वो भोगांव आएंगे, उसके बाद में भोगांव में बीजेपी का कार्यालय है उसका जो है अपने कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे, उसके बाद में 1 बजे वो बीजेपी सदर मैनपुरी जो के है वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उसके बाद में वो जो है राजमेरे जो में कार्यकर्ताओं के साथ में अपनी बैठक लेंगे, उसके बाद में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुनीश आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो मैनपुरी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त अखिलेश यादव कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच चुके हैं नामांकन भरने के लिए, इस वक्त अखिलेश यादव पहुंचे हैं, पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, करहल विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसे में वो कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचे हुए हैं। और खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।